हाय गाइस, तो आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मीशो के कुछ नाइट सूट्स। एक्चुअली मैंने 5 पेयर किए हैं ऑर्डर, लेकिन अभी देखते हैं, अभी मेरे पास सिर्फ 2 रिसीव हुए हैं, बाकी के 3 जो है कल या परसों तक आ जाएंगे। तो ये वीडियो जो है मैं 2 पार्ट में, मतलब कि 2 बार बनाऊंगी। एक बार अभी इन 2 का बना रही हूँ, बाद में जो आ जाएंगे फिर उनका बनाऊंगी। एक साथ इसलिए नहीं बना रही बिकॉज मुझे ये रिफंड इनका एक रिटर्न करना है एक्चुअली। और क्यों रिटर्न करना है मैं आपको बताती हूँ। तो मीशो से मैंने 5 टोटल 5 ऑर्डर किए हैं। कुछ हाफ पैंट में भी हैं और कुछ फुल पैंट में भी हैं, कुछ फुल स्लीव में भी है, कुछ हाफ स्लीव में भी है, और 1-2 तो इतने ज्यादा ट्रेंडिंग वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है अभी मीशो के नाइट सूट्स। तो चलिए ठीक है, मैं आपको पहला पेयर बताती हूँ। एक तो मैंने पहना है, इसको मैं बाद में बताती हूँ, पहले जो मेरे हाथ में है मैं वो वाला दिखाती हूँ। तो ये जो मैंने ऑर्डर किया है ये कॉटन का है प्योर। इसका मैं इमेज साइड में लगा देती हूँ, पहले आप उसको देख लीजिए। फुल पैंट है इसका और ये प्योर कॉटन में है, बिल्कुल जो हम लोग कुर्तों का मटेरियल आप लोगों ने देखा होगा, जो हल्का सा थिन मटेरियल होता है जिससे कि आपकी जो बॉडी है ट्रांसपेरेंट भी होती है कई बार, ये वो वाला मटेरियल है, बिल्कुल प्योर कॉटन है। आप इसको धोएंगे ना तो ये बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने अभी इस मटेरियल के बहुत से नाइट सूट्स बनाए थे घर पे मेरी बच्ची के लिए, और मैंने दिखाए भी थे कि मैं नाइट सूट बना रही हूँ और फ्रॉक बना रही हूँ, तो मैंने इसी मटेरियल का बनाया था। ये 90-100 रुपये मीटर के हिसाब से आता है मार्केट में हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में, हर जगह के हिसाब से अलग अलग होगा। तो पहला ये है, आप इसका लुक देख लीजिए। एक बार ना मैं इसका वो कर देती हूँ ताकि इसका कलर बार। हाँ ठीक है, तो ये है इसका लुक। ठीक है, इसका जो प्रिंट है पास से आप लोग देख लीजिए, इस तरीके का इसका प्रिंट है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो ये इसका प्रिंट है फ्लॉवर एंड पत्ती पत्ती टाइप में। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, तो नाइट सूट है। ठीक है, अगर आप सफर में भी यूज करना चाहते हैं ट्रेवल में तो आप इसको कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और मैंने इसीलिए बुलवाए थे एक्चुअली, क्योंकि कॉर्ड सेट वगैरह है ना मुझे नहीं, थोड़े एक्सपेंसिव लग रहे थे, तो मैं घर पे ही बना लेती हूँ। बाकी नाइट सूट में सोच रही थी थोड़ा सा मटेरियल था कि ऐसे स्ट्रेच वाला, जैसे ये है ना काइंड ऑफ इस टाइप का, तो वो मुझे नहीं मिल पाया था। ठीक है, पर ये कॉटन का है और मैंने इसको देख लिया था कॉटन का, तभी मैंने इसको बुलवाया। तो ये आया है मेरे पास। ठीक है, इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी है, जिसने भी स्टिचिंग करी है बहुत बढ़िया स्टिचिंग करी है, और अंदर भी अच्छा खासा मटेरियल है, एवरीथिंग इज ओके, बटन वगैरह की क्वालिटी भी अच्छी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। और इन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया है, क्या होता है अगर आप कोई नाइट सूट आप घर पर भी बनाते हो ना, तो आप जो पाइपिंग अगर कॉटन की देते हो तो जब आप इसको वॉश करोगे ना तो वो धुंधली पड़ जाएगी। ये ब्लैक जैसे शाइन कर रहा है ना, ये बिल्कुल धुंधला पड़ जाता है, पर ये क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने शॉर्टन की लगाई है पाइपिंग। इसमें जितनी भी आपको पाइपिंग दिख रही ना, ये सारी की सारी साटिन कपड़े की है। साटिन आप लोगों ने सुना होगा, ये उस कपड़े की जो शाइनी मटेरियल होता है, तो इसीलिए जो इसको आप वॉश करेंगे ना तो इसका कुछ, वैसे भी इसका प्रिंट वगैरह नहीं निकलता, हल्का सा फेड होता है कपड़ा हल्का सा, बाकी इसके पाइपिंग का कपड़ा वो भी नहीं निकलेगा कलर। तो ओवरऑल सब कुछ ठीक है। साइज इसमें आया है एल। ठीक है, अब यहाँ कर दी है मीशो वालों ने गड़बड़, मैंने बुलवाया था एम साइज, क्योंकि मुझे वैसे तो एस साइज लगता है, बट मैं अभी अभी एम साइज ऑर्डर करने लगी हूँ, क्योंकि और खासतौर से नाइट सूट वगैरह थोड़ा सा लूज ही रहता तो अच्छा रहता है, तो मुझे आता है एस साइज है, पर मैं ज्यादा कई चीजों में एम साइज ले रही हूँ, और नाइट सूट मैंने एम साइज ही ऑर्डर किया था, बट ये एल दे दिया उन्होंने, कुछ बढ़िया है। बस इसका जो साइज है ना वो इन लोगों ने एल साइज भेज दिया, इसलिए मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। मैं इसको मतलब रिटर्न कर देती हूँ एंड अपनी साइज का जो है ऑर्डर कर दूंगी। फर्स्ट ये था, मैं आपको इसको अभी आपको मैं दिखाती हूँ सेकंड वाला जो है आउटफिट, सेकंड वाला जो नाइट सूट है वो। तो वन सेकंड बच्चा, बस वन सेकंड। तो ये है इसका कलर, कलर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है विच आई ऑर्डर्ड, ये देख सकते हो। ट्रांसपेरेंट कितना है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, मतलब कि इतना ज्यादा झलक रहा है कि बहुत ज्यादा, मतलब एकदम ज्यादा ही ट्रांसपेरेंट है कुछ, ये देखो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है एकदम ही। और सिंथेटिक मटेरियल है जो कि उसमें मेंशन नहीं था, उसमें मेंशन था कॉटन फैब्रिक, तो ये सिंथेटिक है। जो आप वाटर पार्क जाते हैं तो आपको जब दिखाते होंगे कि आपको सिंथेटिक मटेरियल ही पहनना है, तो ये वही मटेरियल है जो आपको वाटर पार्क वगैरह में प्रोवाइड किया जाता है, तो ये सिंथेटिक है और ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि वेरी मच ट्रांसपेरेंट। साइज इसमें एल आया है और मैंने इसमें भी एम ऑर्डर किया था, तो ये भी एक प्रॉब्लम है अगेन। चलो बात करते हैं इसके पैंट की, अच्छा कौन सा साइज आया है। पैंट में भी इन्होंने एल साइज ही भेजा है और इलास्टिक देख सकते हो आप, लेंथ सही है, मतलब कि अगर आपकी हाइट 5 फीट 3 इंच से ज्यादा है तो आपको ये पैंट बिल्कुल ऊंचा हो जाएगा, बिल्कुल ऊंचा, क्योंकि मेरे ही ये एंकल पे आ रहा था, तो पैंट की लेंथ में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। आपकी अगर हाइट 5 फीट 3 इंच 4 इंच से ज्यादा है तो आप ये ऑर्डर मत करना। तो गाइज़ यहाँ पर मैं शो कर रही हूँ तीसरा नाइट सूट जो कि सिंथेटिक मटेरियल का है अगेन, और काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल था,
और मैं जो है इसको इसलिए अलग से वीडियो आपको अलग सा बना हुआ दिख रहा है क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि दो नाइट सूट एक साथ आए थे और दो नाइट सूट एक साथ आए थे, तो इसीलिए मैंने इन लोगों को जो शॉर्ट के रूप में क्रिएट किया था और वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मैंने इसमें साइज़ ऑर्डर किया था एम और ये एम साइज़ ही आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कलर भी एग्जैक्टली सेम आया है और टाइप भी बिल्कुल वही है जो इमेज में दिख रहा था, बिल्कुल अच्छा है ये वाला। इसके पॉकेट वगैरह भी अच्छे हैं और ये बिल्कुल आप इसको रख सकते हैं, इसको रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइज़ भी उसमें जो साइज़ गाइड दिया है मीशो में, उस साइज़ गाइड को कृपया अच्छे से चेक करके ही आप लें, ऐसा ना हो कि फिर आप बाद में सोचें कि ये साइज़ नहीं बुलवाया था, इसलिए पहले गाइड देख लें अच्छे से। उसमें पैंट का कमर का साइज़ भी दिया है और टॉप का बस्ट और कमर का साइज़ भी दिया, आप उसके हिसाब से जो आपको साइज़ लगे कि आपको लग रहा है वो लेना। और हाँ, आपको दिखा रही हूँ नेक्स्ट नाइट सूट जो कि अभी ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज़्यादा। मैंने उसमें ग्रीन कलर बुलवाया है बिकॉज उसमें जो और कलर थे मुझे लग रहा था मेरे ऊपर अच्छे नहीं लगेंगे, और मैंने ये बुलवाए हैं ट्रैवल के लिए स्पेशली कि हम लोग जैसे कहीं ट्रैवल करते हैं तो नाइट में इसको पहनकर सो गए, उस हिसाब से। तो आप देख सकते हो ये इसकी टी शर्ट, यह इसका बॉटम। अच्छा, मैं इसके मटेरियल की आपको तारीफ करना चाहूँगी। अभी तक मैंने चार नाइट सूट आ गए हैं, चारों के चारों में सबसे अच्छी क्वालिटी इसकी है। आप इस टी शर्ट को जनरली किसी भी जीन्स के साथ पहन सकते हो, मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ, वन सेकेंड। तो इसका जो फैब्रिक है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और मतलब इसको, ये जो ओवरसाइज टी शर्ट है आप इसको कैसे भी पहन सकते हैं, जीन्स के साथ लोअर के साथ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। और इसमें एस साइज़ आया है मुझे, और क्योंकि जिसको जो इसका गाइड है, मतलब जो इसका साइज़ गाइड दिया हुआ है उसमें मेरे जितना पतला हो, जिसका कि चेस्ट साइज़ 30-34 हो, उसके लिए एस साइज़ परफेक्ट है। और इसके ना मुझे शॉर्ट की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट लगी, कि जैसे हम सफ़र में भी जाएंगे तो थोड़ा सा छोटा लगा, क्योंकि इसके शॉर्ट की लेंथ है 14 इंच है, मतलब कि जो एक ब्लाउज़ की लेंथ होती है उतनी लेंथ है, तो सिर्फ वो थोड़ी सी छोटी लगी, पर ओवरऑल ठीक है। और बहुत अच्छा मटेरियल है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसमें इतने सारे कलर अवेलेबल हैं। और इसको यूज़ करने के बाद मैंने दो कलर और ऑर्डर किए हैं, एक ब्लैक और एक इसका जो पिंक कलर है, वो दो कलर मैंने ऑर्डर किए हैं क्योंकि 450 के हिसाब से बहुत अच्छी डील लगी है मुझे। और मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मैंने चारों नाइट सूट के आपको रिव्यू दिए उसमें से शुरू के दो ही थोड़े से अच्छे नहीं लगे, बाकी के दो के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं।